हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का काउंटडाउन जो है आपका शुरू हो चुका है। कब तक आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, क्या क्या चीज़ को आपको पता चलेगा उसमें, ये भी चीज़ बात करने वाला हूँ। किस टाइम से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे, ऑफिशियल नोटिस है, आपको बताता हूँ इसमें सारी चीज़ें, जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो बच्चा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो बोर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर लगभग 75 जिलों में आपकी जो है, यहाँ पे 75 जिलों में आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें 17 और 18 तारीख की दो पालियों में यहाँ पे किया गया है, दो दो पालियों में आपका एग्ज़ाम है। प्रातः एक तो 10 बजे से 12 बजे तक है बच्चों, और एक आपका 3 बजे से 5 बजे तक। इन दो पालियों में ही आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। इन्होंने बताया है कि आप 10 तारीख यानी 10 तारीख ये बता दिया है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की, आपको इस साइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने हैं। 10 तारीख यानी 10 फरवरी को आपके प्रदर्शित किए जाएंगे। आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इसमें क्या क्या चीज़ आपकी आएगी। तो बच्चों, जब 10 तारीख में आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उसमें आपके प्रवेश पत्र में आपका जो है सारी चीज़ें नहीं आएंगी, परीक्षा केंद्र स्थित आएगा। बस आपका परीक्षा केंद्र कहाँ है आप ये चीज़ वहाँ पे देख सकते हैं। यदि किसी बच्चे का दूर है तो वो जा सकता है, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, स्कूल वगैरह का नाम वगैरह हर चीज़ आपको बता दी जाएगी, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे, आपको पता होगा अभी रेडियो ऑपरेटर का पेपर भी आपका लीक हो चुका है, बहुत सारे बच्चे उसमें पकड़े गए हैं। तो इसे मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये चीज़ बताई है। अभी फिलहाल आपको परीक्षा केंद्र का पता चल जाएगा कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पे रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर फिर हमें ये चीज़ कब पता चलेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 तारीख यानी 13 तारीख को आप अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। तो 13 तारीख का आप वेट कीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे बताया है इन्होंने, अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपना पंजीकरण संख्या तथा जन्मतिथि अंकित कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक जो है आपके बोर्ड की वेबसाइट पर दे दिया गया है, तो वहाँ से आप 13 तारीख को सारी चीज़ें वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को होने वाला है और कहाँ होने वाला है। तो ये थी बच्चों आज की इन्फॉर्मेशन। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।